सपा रालोद गठबंधन में चीजें अब कुछ साफ नजर आने लगी हैं। कल यानी कि 19 जनवरी को जो खबरें मीडिया में आ रही थी उसके मुताबिक मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल पर बताई जा रही थी, लेकिन अब सूचना आ रही है कि मुजफ्फरनगर सीट समाजवादी पार्टी के पास रह सकती है और उम्मीदवार सपा के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक या उनके बेटे चरथावल से विधायक पंकज मलिक हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो वेस्ट यूपी की राजनीति की ये सबसे बड़ी खबर है। दरअसल ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि मुजफ्फरनगर सीट राष्ट्रीय लोकदल की कोर सीटों में से एक थी। इसके पीछे प्रमुख कारण यही था कि 2019 में चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े थे लेकिन मामूली अंतर से हार गए थे। साथ ही मुजफ्फरनगर को राष्ट्रीय लोकदल का नया गढ़ भी अब माना जाता है। लेकिन अब जो खबर सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट सपा के खाते में है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मुजफ्फरनगर पर सिंबल साइकिल का ही रह सकता है। अगर सपा के खाते में ये सीट है तो जयंत चौधरी का मुजफ्फरनगर सीट छोड़ने का फैसला अपने आप में चौंकाने वाला है। रालोद की ओर से पूर्व मंत्री योगराज सिंह, शामली विधायक प्रसन्न चौधरी और महिला प्रकोष्ठ रालोद की राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीषा अहलावत दावेदारों में है। राजनीतिक विश्लेषकों के सवाल ये भी हैं कि क्या मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भाजपा की मजबूती को देखते हुए जयंत चौधरी ने आसानी से मुजफ्फरनगर देने का फैसला किया है या फिर जयंत चौधरी के सामने गठबंधन की मजबूरी थी। हालांकि अभी घोषणा तो नहीं हुई है लेकिन रालोद नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे लटक तो गए हैं, जबकि हरेंद्र मलिक के समर्थक उत्साहित हैं क्योंकि रालोद के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि मुजफ्फरनगर पर चौधरी जयंत सिंह की मर्जी ही चलेगी। हालांकि जब तक ये खबर चल रही थी कि मुजफ्फरनगर सीट रालोद के पास है तब तक स्थिति उल्टा थी।